हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इसके शेड्यूल के हिसाब से आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम लोग हमेशा ज्योग्राफी का सेगमेंट लेते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफी के दो टॉपिक्स जो हमने लिए हैं वो दोनों ही टॉपिक्स बिल्कुल ही करेंट के हैं, करेंट में न्यूज़ में हैं और इसलिए महत्वपूर्ण भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर सीधे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम लैंड सब्सिडेंस? एक्सप्लेनिंग वेरियस रीजंस बिहाइंड लैंड सब्सिडेंस, रिकमेंड मेजर्स टू अरेस्ट द सेम। यानी कि जो भूमि का धसाव होता है, जो लैंड सब्सिडेंस होता है, उससे आप क्या समझते हैं और उसके रीजंस को बताते हुए आप यह भी बताइए कि उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपने देखा होगा जोशी मठ के बाद से, आपने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत सारी जमीन में धंसाव हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए ये बहुत ही करेंट से रिलेटेड था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो पहला क्वेश्चन यही है, तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है कि लैंड सब्सिडेंस होता क्या है? लैंड सब्सिडेंस होता है जब जो भूमि है, जो जमीन की ऊपरी सतह है, वो ग्रेजुअली या सडन रूप से धीरे धीरे धंसने लग जाती है। उसका जो मूवमेंट है वो नीचे की ओर होने लग जाता है, तो उसको हम लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो लैंड सब्सिडेंस आप समझ गए। अब लैंड सब्सिडेंस कई कारणों से हो सकता है और उन कारणों की हम चर्चा करते हैं, जहाँ पर रीजंस इन्होंने पूछा था। तो इसके दो तरीके के रीजंस हम रीजंस मानते हैं, पहला नेचुरल रीजंस और दूसरा एंथ्रोपोलॉजिक कॉजेस। एंथ्रोपोलॉजिक मतलब मैन मेड कॉजेस भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिक कॉजेस के साथ साथ और भी कई सारे रीजंस हैं जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम नेचुरल कॉजेस की बात करते हैं। नेचुरल कॉजेस में आप देखिएगा कि जो ज्योग्राफिकल फॉल्ट है, जो बीच में दरार है, उसके साथ साथ जब जब उस पर एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर लैंड सब्सिडेंस होता ही है। ठीक है, जैसा कि आपने जोशीमठ में देखा होगा कि वहाँ पर ज्योग्राफिकल फॉल्ट है और वहाँ पर लैंड सब्सिडेंस का कारण ही ज्योग्राफिकल फॉल्ट है। तो पहला जो है, आप अगर ज्योग्राफिकल फॉल्ट के आसपास एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और लोगों को बसा रहे हैं तो वहाँ पर लैंड सब्सिडेंस ज़्यादा होगा और तेज़ी से होगा। दूसरा, वोल्केनिक एक्टिविटीज़। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो अंडरलाइंग लैम्बा मैग्मा चैम्बर्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे लैंड सब्सिडेंस शुरू हो जाता है। तीसरा, लिक्विफिकेशन जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत भी कई बार जो लैंड सब्सिडेंस है वो होता है, क्योंकि जैसा कि जापान के उरायासू सिटी में हुआ था। ठीक है, तो ये कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से लैंड सब्सिडेंस होता है। यंग फोल्ड माउंटेन में भी एक चीज़ देखिए, जैसे आप जब हिमालय को देखते हैं, हिमालय यंगेस्ट फोल्डेड होल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड होते हैं जिसके कारण भी लैंड सब्सिडेंस होता है। इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिक रीजंस भी हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जब अनप्लान तरीके से आप अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि उसके कारण भी लैंड सब्सिडेंस होता है। जैसा कि एक स्टडी में पाया गया है कि ग्राउंड वाटर में जो 9 मीटर्स की डिक्लाइन होगी, अगर ग्राउंड वाटर में 9 मीटर्स की डिक्लाइन होगी तो जो लैंड सब्सिडेंस का रेट है वो 18.23 मिलीमीटर पर ईयर होगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर का अनसाइंटिफिक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन भी इसका एक रीज़न होता है। दूसरा, अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी होता है इसका रीज़न, कि आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू डेवलप नहीं कर रहे हो तो क्या होता है कि उससे लैंड सब्सिडेंस होता है। और नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को अगर आप रोक रहे हो तो वाटर इकट्ठा होगा, वो भी एक समस्या अगर क्रिएट करेगा और लैंड स्लाइड्स होंगे, लैंड सब्सिडेंस होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर वल्नरेबिलिटी मैपिंग नहीं कर रहे हैं, इससे भी लैंड सब्सिडेंस होगा। जैसा कि आपने देखा होगा जोशीमठ वाला तो मामला आपने देखा है, इसके साथ साथ अभी हिमाचल का जो रिसेंट मामला है, हिमाचल की बहुत बेहतरीन बनी हुई रोड्स, पूरी की पूरी रोड टूट गई, लैंड सब्सिडेंस में धंस गई। तो रीज़न क्या था? वो रोड्स को बनाने के जो नॉर्म्स हैं, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि उन नॉर्म्स को पूरे तरीके से फॉलो
नहीं किया गया। तो जो ये अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये भी लैंड सब्सिडेंस का कारण बनता है, क्योंकि आपने पहाड़ को तो साइड से काट दिया। अब उसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट था, उसका प्रॉपर जो रोकने का प्रोसेस था, वो आपने सही से नहीं किया। तीसरा है जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, तो ये भी लैंड सब्सिडेंस का कारण बनती है। जैसे कि रानीगंज के आसपास जो लैंड सब्सिडेंस होता है, वहाँ पर आप अंडरग्राउंड कोल माइनिंग कर रहे हैं और अनकंट्रोल्ड तरीके से कर रहे हैं, तो वहाँ पर लैंड सब्सिडेंस भी देखने को मिल रहा है। ये झरिया के आसपास बिहार का रीजन है, ठीक है, वहाँ पर भी। तो लैंड सब्सिडेंस बहुत तरीके से, बहुत रीजन से होता है, और इसके साथ साथ ये मनुष्य के साथ साथ पर्यावरण दोनों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो अब इसके प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं। उन प्रभावों की चर्चा तो आप मनुष्य के जीवन पर, आम जन जीवन पर पड़ेगा, पर्यावरण पर पड़ेगा, वहाँ की जो क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर्स होंगे उन पर पड़ेगा, एनवायरमेंटल डैमेज होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो, वहाँ पर बहुत ही धीमी धीमी गति से और कंट्रोल करके करना चाहिए। यहाँ तक कि उसके बारे में हम कहते हैं कि लो इम्पैक्ट टेक्निक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। एमसी मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ के संबंध में कहा था कि अगर यहाँ पर ब्लास्टिंग हिल साइड में करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये लैंड की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जो लोड लोड बियरिंग कैपेसिटी है ग्राउंड की, उसको भी देखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी उसी के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप हैवी मटेरियल, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हैवी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा लोड बियरिंग कैपेसिटी पर भी बोझ बढ़ता है और लैंड सब्सिडाइज कर जाता है। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल लोग देते हैं कि काउ डंग, वुड, मड, टिन इत्यादि का इस्तेमाल करिए कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा, डीप सॉयल मिक्सिंग ये कर सकते हैं कि आप क्या करिए, स्टेबलाइज करिए, डीप सॉयल मिक्सिंग करिए, जिससे लैंड सब्सिडेंस कम होगी, सॉयल कंप्रेशन कम हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है, जिसके बार बार आप एक्सट्रैक्शन का एक रीज़न बताया जाता है, तो कोशिश करिए कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कम से कम हो और ग्राउंड वाटर रिफिलिंग भी होती रहे, ठीक है। एफॉरेस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ भी करिए, जिससे कि सॉयल इरोजन कम से कम हो और लैंडस्लाइड्स भी कम हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अपनाते हुए आप जो लैंड सब्सिडेंस वाली प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही करंट से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है अनियमित मानसून से लेकर के। आप देख रहे होंगे मानसून आ तो रहा है लेकिन बहुत ही अनियमित है, इरेटिक बिहेवियर कर रहा है। तो एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ इरेटिक मानसून, हाईलाइट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सेम। आपको ये भी बताना है कि इसके क्या संभावित परिणाम हैं, ठीक है। तो मानसून के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि मानसून क्या है। ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसके कारण इंडिया में रेन होती है। मानसून अनप्रडिक्टेबल भी है और कई बार ये इरेटिक भी हो जाता है। इसके कई रीजंस हैं। जैसे पहला रीजन है एलनीनो और लानीना के इवेंट, ठीक है। एलनीनो और लानीना के कारण एबनॉर्मल वार्मिंग या कूलिंग हो जाती है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। इसके कारण क्या होता है कि पूरे मानसून के पैटर्न को ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो पहला तो आप एलनीनो और लानीना के इवेंट में ये देखिएगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो एलनीनो होता है उसकी वजह से क्या होता है भारत के मानसून पर असर, रेनफॉल कम हो जाएगी, ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ेगा। जबकि जब लानीना आएगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, फ्लड्स आएंगे, तो ये कारण होंगे। दूसरा, ओशनिक और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का इंटरप्ले भी दूसरा रीजन होता है इरेटिक बिहेवियर ऑफ मानसून का। तो जब सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसा कि आप बार बार न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि इधर सी सरफेस का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम पे असर पड़ेगा, लैंड ओशन टेम्परेचर ग्रेडियंट पर असर पड़ेगा, और इससे मानसून के रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी असर पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप देखिए जेट स्ट्रीम्स का भी असर होगा। जब भी जब तिब्बतन प्लेटू में हीटिंग में डिले होगा तो लेट शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम होगा और ITC जेड होगा, इसकी वजह से अराइवल ऑफ मानसून इंडिया में लेट होगा, ठीक है। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये सारी रीजन्स आप लिख सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में आप क्लाइमेट चेंज को एक रीज़न दे सकते हैं कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है और हाँ ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसकी वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर, मानसून का टाइमली और अनप्रडिक्टेबल होना, ये सारी चीज़ें मानसून का पूरा बिहेवियर प्रभावित हुआ है। दूसरा, लैंड यूज चेंज हुआ है, आपने डिफॉरेस्टेशन बहुत करा और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ, उसकी वजह से क्लाइमेटिक पैटर्न पर चेंज हुए हैं, इसकी वजह से भी मानसून के आने पर प्रभाव पड़ा है। अब मानसून अगर इरेटिक बिहेवियर कर रहा है तो उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं।
तो सबसे पहली बात यह है कि जब अनइक्वल रेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ रीजन्स में फ्लड आ जाएंगे और कुछ जगहों पर सूखा पड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चरल साइकिल, फूड सिक्योरिटी, सब कुछ प्रभावित होगा। तो इरेटिक बिहेवियर से सबसे बेसिक चीज़ जो प्रभावित हो रही है आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम है, पूरा का पूरा क्रॉप पैटर्न प्रभावित होगा, फूड सिक्योरिटी प्रोडक्शन प्रभावित होगा, तो फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी। इसके साथ साथ आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो लोगों की लाइवलीहुड, फूड प्राइसेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक वेलबींग सब प्रभावित होगा। और इसके साथ साथ जो हाइड्रो पावर जनरेशन है, जो जल से जो जल विद्युत उत्पादन है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर रेनफॉल अनइवन हो रहा है तो वाटर लेवल भी रिजर्वायर्स में कम होगा, और जहाँ पे फ्लडिंग हो रही है वहाँ पर क्या होगा, अगर कोल माइंस हैं तो वो कोल शॉर्टेज कर देंगे थर्मल पावर्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ साथ ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर पानी कम हो जाएगा वहाँ पर वाटर स्ट्रेस हो जाएगी, तो इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी पर भी समस्याएं क्रिएट होंगी, क्योंकि जहाँ पर नॉर्मली बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, और जहाँ पर बारिश हो रही थी वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये डिसबैलेंस और उस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ होगा। इसके साथ साथ इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेज भी क्रिएट होंगे, कई सारे एंडेमिक स्पीसीज हैं वेस्टर्न घाट के, या कई सारे स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है जो शिफ्ट हो जाएंगे, मैंग्रोव्स का लॉस होगा, ये सब बहुत सारे इम्पैक्ट्स इसके पड़ेंगे। तो अब आप इसका इसको कंक्लूड कर दीजिए कि जो मानसून का एरेटिक बिहेवियर है वो बेसिकली कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस को जनरेट करता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल हर तरीके के होंगे, आम जीवन से प्रभावित होने से लेकर के एनवायरमेंट तक और इकोनॉमी तक, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तक, सब पर असर पड़ेगा इसका। और इसीलिए हमें मानसून और ग्लोबल क्लाइमेट के हिसाब से ही अपनी नई स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर ध्यान देना होगा, हमें वेदर कंडीशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए बेहतरीन सिस्टम डेवलप करना होगा। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस और दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको ज्योग्राफी के बिल्कुल जो करेंट में चल रही हैं चीज़ें उसके हिसाब से दिए हैं, आप इसको देखिएगा। मैंने कल भी कहा था और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको भी अगर कोई टॉपिक लगता है कि जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए तो आप उसको ज़रूर बताइएगा, हम लोग उस पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।